तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है, या बोल सकते हैं सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर है बीटा वर्जन वाला, उसमें एक नया अपडेट अभी रोल आउट किया गया है। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, क्या करा गया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालू मैं सैमसंग रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फट से नोटिफिकेशन मिले। और चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आपको जाना है इधर, यहाँ जाना है माय अपडेट्स पे। अपडेट्स में जाके देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर पे। आप देख रहे होंगे ये नया अपडेट रोल आउट किया गया है। इस वर्जन का नाम है 19.0.0.33, इस वर्जन का नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कब रोल आउट किया गया है, 2 सितंबर को इसको रोल आउट किया गया है। बट मुझे आज के दिन ये मिला है जो कि है 104 MB का, 104.29 MB का है। यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, इस अपडेट में कुछ बग्स फिक्स किए गए और स्टेबिलेशन को इंक्रीज किया गया है। मतलब कि इसमें कुछ नए फीचर तो इन्हांस नहीं किए गए, बट यहाँ पर जो उसके कुछ बग्स होंगे या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होंगे उसको यहाँ पर फिक्सेस कर दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी बीटा वर्जन पे है तो कुछ ना कुछ तो बग्स होते ही हैं, और जो भी कुछ इश्यूज होंगे वो सब यहाँ पर अपडेट में चेंज कर दिया गया है। और हो सकता है कुछ छोटे छोटे कुछ चेंजेस भी कर दिए गए हों। तो ये नया अपडेट था। इस अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस लगता है, उसको होने देते हैं अपडेट। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, आपको नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्मल ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर अभी तो वैसे तो कुछ चेंजेस लग नहीं रहे, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर एन बना हुआ ऑटोमेटिक आ जाता है, सब वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग में भी जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं किया गया, बस कुछ बग्स को फिक्स आउट कर दिया गया है और स्टेबिलाइजेशन को इंक्रीज किया। स्टेबिलाइजेशन मतलब कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी या हैंगिंग की, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, या फिर अगर ऑटोमेटिक कहीं रुक जाता होगा, स्लो हो जाता होगा, उन सब चीज़ों को यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। तो बीटा वर्जन है तो उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि कुछ भी बक्स हो तो वो फिक्स आउट हो जाए। तो मुझे लगता है आपको इसको अपडेट करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। और हो सके तो यार भाई अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।